विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने न्यूजीलैंड दौरे के दौरान कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2022 में हिस्सा लिया। उन्होंने मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक विमोचन में भी भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंडोनेशिया के जकार्ता में 8वें G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष मिल्टन डिक से मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच पारस्परिक हितों को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था और व्यापार से लेकर संस्कृति जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गुजरात राज्य स्तर पर गतिशक्ति पोर्टल का शुभारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बना। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आधिकारिक तौर पर बिछी रेड कार्पेट। आज 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर व्यय विभाग द्वारा 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान की 7वीं मासिक किश्त जारी की गई। इसके साथ ही 2022-23 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि 86,201 करोड़ रुपए हो गई है।